मुरादनगर हादसे में अब तक 25 की मौत हो चुकी है। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नगरपालिका के ईओ निहारिका सिंह को गिरफ्तार किया गया है, वहीं जेई चंद्रपाल को भी गिरफ्तार किया गया है। सुपरवाइजर आशीष को भी गिरफ्तार किया गया है। तो मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। शमशान घाट की छत गिरने से हुआ था हादसा। मलबे में दबने से 25 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जहां उनका इलाज चल रहा है, जिनमें से कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जेई चंद्रपाल को भी गिरफ्तार किया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुपरवाइजर आशीष को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता ही माना जा रहा है, क्योंकि जो घायल है उनमें से कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। शमशान घाट की छत गिरने से यह हादसा हुआ था। मलबे में दबने से 25 लोगों की मौत। मुरादनगर के अंतर्गत ग्राम उखलारसी के शमशान घाट में लेंटर गिरने से हुए हादसे में मृतक जयराम के पुत्र दीपक की तहरीर पर थाना मुरादनगर पर निहारिका सिंह ईओ चंद्रपाल जेई आशीष सुपरवाइजर अजय त्यागी ठेकेदार व अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 304 337 338 427 409 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सोनू खान जुड़ गए हैं। सोनू, अभी क्या अपडेट मिल रहा है खबर पर? लगातार जब मुरादनगर के शमशान घाट में यह हादसा हुआ था, उसके बाद जो उसका लेंटर लगा था 2 महीने पहले ही जो लेंटर था उसको डाला गया था, और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने जो FIR दर्ज की, FIR में से जो आशीष जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको पकड़ा। पुलिस ने कुल मिलाकर 3 आरोपियों को अभी तक पकड़ा है। जो मेन आरोपी है इसमें आशीष त्यागी, जो के कॉन्ट्रैक्टर था जिसने ये लेंटर बनवाया था, वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया। वो लगातार फरार चल रहा है, पुलिस की छापेमारी चल रही है, उसको पुलिस पकड़ने का प्रयास लगातार की, क्योंकि मेन आरोपी इसके अंदर वही माना जाएगा, क्योंकि लेंटर जो डला था उसी के उससे लगा था। बहरहाल जो गाजियाबाद पुलिस है उसने ईओ को पकड़ लिया, जो इसका जई था उसको पकड़ लिया, और जो और आरोपी इसमें बचे, क्योंकि इसमें अज्ञात नाम भी जो पुलिस ने उसने FIR दर्ज की थी उसमें से 3 आरोपियों को पकड़ लिया और की तलाश जारी है। जी सोनू, कितने लोग घायल हुए हैं और घायलों की हालत कैसे बनी हुई है? मामला था इसमें 50 से 60 लोग इसमें बताए गए थे, जिनमें से 25 की मौत हो गई है और बाकी जो है उनका हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा है। जिसको चोट लगी थी एक मुजफ्फरनगर का था, उसको यहाँ गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया, उसका इलाज मुजफ्फरनगर में चला है, और जो बाकी है उनका अस्पताल जिला MMG के अंदर किया जा रहा है। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग अधिकारी हैं वो लगातार वहां नजर बनाए हुए हैं, लगातार उनकी जो उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या था। तो जब उनसे बात की तो जो वहां चश्मदीद थे, जब हमने उनसे बात की, उनका भी कहना यही था कि एकदम लेंटर भर भराया और लेंटर भर भरा के पूरी तरीके से गिर गया, तो कहीं ना कहीं जो लेंटर बनाया गया था उसकी ही कमी इसमें पूरी देखने को मिलती। अगर लेंटर में 55 लाख का ये लेंटर बनाया गया था, अगर 55 लाख की बजाय इसमें 7 लाख भी लगाए जाते तो ये मजबूत लेंटर बनता। जो लोग हमारे बीच नहीं रहे अपने परिवार के, बिल्कुल सुनिश्चित यानी कि यहाँ पर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई, या ये कहें कि पैसा डकारना था जिस वजह से ऐसा काम कराए इसमें 25 लोगों की जान चली गई, यह आंकड़ा और बढ़ सकता है जैसे कि सामने आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल अगर इसमें लागत ठीक लगाई जाती तो इसमें अगर जितने का ये कॉन्ट्रैक्टर हुआ था, अगर उसमें आधा भी इसमें लगाया जाता तो ये लेंटर आज मजबूत होता और किसी की जान नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, क्योंकि तीन लोग हैं जो उसमें ईओ है जो जई है, उनके नाम भी सामने आए थे जिनके नाम FIR भी दर्ज की है, उसमें 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, गंभीर धाराओं में ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अगर उनकी साठगांठ, क्योंकि जो पूरा मामला सामने निकल गया है उनकी साठगांठ से ये पूरा मामला हुआ था, अगर इसमें लागत लगाई जाती तो ये लेंटर मजबूत होता और किसी की जान नहीं जाती। भ्रष्टाचार कितना चरम पर है सोनू, इस वारदात के बाद सामने आ गया 25 लोगों की जान कोई छोटी बात नहीं है, 25 लोगों की जान चली गई। जी देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि अधिकारियों की साठगांठ से ही ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये जिनको ठेकेदार होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर दिया जाता है, उसके बाद ही ये आगे के जो ठेकेदार हैं ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको पहले इसकी पूरी तहकीकात की जाती है कि कौन कौन जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको ये कॉन्ट्रैक्टर दिया जा रहा है।
उसकी पूरी तहकीकात की जाती है कि कहाँ से ये है, कि पूरी जांच करने के बाद तब इनको कॉन्ट्रैक्टर दिया जाता। तो जब ये लेंटर्स बना के इन्हें तैयार किया होगा, तो उसके बाद जो नगर पालिका है मोदी नगर की, वो वहां पर दौरे पर गई होगी, उन्हें पूरी जांच की होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही से सामने आ रही है। क्योंकि जब उन्होंने जांच की थी तो उन्होंने ये चीज क्यों नहीं देखी कि इसकी आखिर मजबूती क्या, क्योंकि जो लेंटर्स वो डला था उसकी जो मजबूती थी वो देखने में दूर से ही वो दिख रही थी, क्योंकि एक झाबी तो बरसात भी अगर कहते तेज बरसात भी नहीं थी, हल्की सी बारिश हुई थी और बारिश में ही वो लेंटर गिर गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इससे एक और भी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बरसात अभी निकली है, 2 महीने पहले इसको तैयार किया गया था। तो ये एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। अधिकारी भी सुनो, कॉन्ट्रैक्टर अभी तक फरार चल रहा है, पुलिस के हाथ खाली पड़े हैं। जी देखिए, जो आशीष त्यागी है इसके अंदर जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था जिसने ये लेंटर्स बनाया था, उसको पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन वो अभी तक पुलिस के हाथों से फरार है। जी सोनू, जिस तरह से हादसा हुआ, भ्रष्टाचार किस तरह से उजागर है, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उसका ये उदाहरण देखने को मिला, एक बड़ा हादसा हो गया। बहरहाल जो पीड़ित परिजन है, क्या उन्हें कुछ मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, कितना मुआवजा दिया जा रहा है अगर दिया जा रहा है तो? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख रुपए का जो आर्थिक मदद है उसकी घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद जो जिनके परिवार का चिराग चला गया, जिनके घर का पड़ा चला गया, उनके लिए 2 लाख रुपए की रकम तो कुछ नहीं होगी, लेकिन ये है कि उनकी मदद के तौर पर वो 2 लाख रुपए ने दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये बनाया था और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अगर वो वहां मौके पर जाते हैं, पूरे मामले का मुआयना करते, तो जो आज इतनी बड़ा हादसा हुआ है उनके साथ हादसा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, उनकी सारी साठगांठ से ये पूरा मामला किया गया था, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्टर ने ये बनाया था। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही लापरवाही नहीं, इसे भ्रष्टाचार कहेंगे सोनू, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इस वजह से समझ सकते हैं कि 25 लोगों की जान चली गई, कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, ये और कितना आंकड़ा बढ़ जाए ये भी अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से ये भ्रष्टाचार सामने आया है, वाकई में सिस्टम में जिसके इसमें भागीदारी सामने आई है, उस हर शख्स पर कार्यवाही होनी चाहिए। सोनू, खबर पर नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।